7 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, नई पार्टी है, पहली बार दिल्ली के लोगों ने मौका दिया और आम आदमी पार्टी ने अभूतपूर्व विकास किया है दिल्ली के अंदर। सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, सरकारी अस्पताल शानदार कर दिए, ढेरों मोहल्ला क्लिनिक बनाए। पहले पावर कट बहुत लगते थे, बिजली अब 24 घंटे आती है, बिजली मुफ्त कर दी, बहुत सारे काम किए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, मेरा सबसे निवेदन है आप फ़ोन करके अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों से दिल्ली में फ़ोन करके पूछो कि भाई आप लोग केजरीवाल ने कुछ काम किया। अगर कोई कहे कि केजरीवाल ने काम नहीं किया तो उत्तराखंड में भी मेरे को वोट मत देना, और अगर कोई कहे कि काम किया तभी वोट देना। और मैं समझता हूँ इतने दावे के साथ और इतने विश्वास के साथ किसी पार्टी की हिम्मत नहीं है जो इतना बड़ा स्टेटमेंट कर दे कि हमारे दूसरे राज्य में फ़ोन करके पूछ लो। क्या आज कांग्रेस ये बात कह सकती है कि पंजाब में और राजस्थान में फ़ोन करके पूछ लो कि काम किया क्या? हम कह रहे हैं कि दिल्ली में फ़ोन करके पूछ लो। तो ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है जिसमें एक बहुत बड़ा बदलाव संभव है। पहली बार उत्तराखंड के अंदर एक ईमानदार सरकार बन सकती है, भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। मैं कम नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ख़त्म हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको संक्षेप में आम आदमी पार्टी का एजेंडा क्या है वो आपके सामने रखूँगा, उसके बाद दूसरी बातें 10 पॉइंट एजेंडा मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। ये आप कह सकते हो कि हमारा मैनिफेस्टो का सारांश है, डिटेल्ड मैनिफेस्टो कर्नल साहब वगैरह एक दो दिन बाद रिलीज करेंगे, लेकिन मैं सारांश मेन एजेंडा आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड चुनाव में और आने वाले 5 साल के लिए आम आदमी पार्टी का मेन एजेंडा 10 पॉइंट एजेंडा है। सबसे पहला, हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है, दूसरी पार्टियां नहीं कर सकती, उनको करना भी नहीं आता और उनकी नीयत भी खराब है। आम आदमी पार्टी वालों की नीयत साफ है, हमने करके दिखाया है। दिल्ली के अंदर 7 साल में हमने भ्रष्टाचार खत्म किया है। पहले लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, सरकारी दफ्तरों में जाते थे काम कराने के लिए, अब ऐसा नहीं है, अब घर बैठे सारे काम होते हैं, लोगों के काम घर में किए जाते हैं। बड़े लेवल का भ्रष्टाचार था वो खत्म किया हमने, जीरो टॉलरेंस है करप्शन के प्रति। आज सबसे बड़ा नासूर उत्तराखंड में भ्रष्टाचार है, चाहे वो बीजेपी की कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस को बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, सब नेताओं ने मिलकर उत्तराखंड को लूटा है। भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। बिजली दूसरा मुद्दा है, हमने दिल्ली में बिजली ठीक की, 24 घंटे बिजली की, पहले खूब पावर कट लगते थे, उत्तराखंड में भी हम बिजली ठीक करेंगे, यहाँ भी बहुत पावर कट लगते हैं, हालांकि उत्तराखंड बिजली बनाने वाला प्रदेश है, दिल्ली में बिजली बनती नहीं है, बाहर से खरीदते हैं, उसके बावजूद दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली है, उत्तराखंड में भी 24 घंटे बिजली करेंगे और मुफ्त बिजली करेंगे जैसे दिल्ली में हमने की। तीसरा है रोजगार, दिल्ली में पिछले कुछ वर्षों में हमने 10 लाख बच्चों के लिए रोजगार मुहैया कराए हैं, हमें करना भी आता है और हमारी नीयत भी है। आज सबसे बड़ा समस्या उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारी की है, एक है सरकारी नौकरियां जिसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, पैसे के बिना रिश्वत के बिना सरकारी नौकरी मिलती नहीं है, या तो आप मंत्री या एमएलए के दोस्त या रिश्तेदार होने चाहिए या पैसे होने चाहिए रिश्वत देने के लिए। इसे ख़त्म करेंगे, हर उत्तराखंड के बच्चे को हर सरकारी नौकरी के ऊपर उसको बराबर का अवसर मिलेगा, बिना रिश्वत के और बिना सिफारिश के नौकरियां मिलेगी, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर नौकरियां तैयार की जा सकती है। जैसे दिल्ली के अंदर हमने 10 लाख बच्चों को नौकरियां दी हैं, उत्तराखंड में भी हम नौकरी देंगे, और जब तक नौकरी नहीं मिलती 5,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता होगा। महिलाओं के लिए हर महिला को 1,000-1,000 रुपये, 18 साल से ऊपर की हर महिला को, उसकी ज़रूरतों के लिए महंगाई बहुत बढ़ गई है, 1,000-1,000 रुपये हर महिला के अकाउंट में हर महीने डाला जाएगा। स्कूल शिक्षा,
आज पूरे देश क्या पूरी दुनिया मानती है कि दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति हुई है, सरकारी स्कूलों को शानदार कर दिया, अब गरीबों के और अमीरों के बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिलती है, एक ही डेस्क पे अफसर के बच्चे, जज के बच्चे और एक रिक्शे वाले के बच्चे एक ही साथ बैठ के पढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर आज सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है, बहुत खंडर बने पड़े हैं सरकारी स्कूल, गरीबों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, गरीबों के बच्चे गरीब रह जाते हैं। तो उनके यहाँ पे उत्तराखंड में भी स्कूल अच्छे करेंगे, हमें करने आते हैं और हमें ही करने आते हैं और किसी पार्टी को नहीं करने आते। अगर किसी को जो भी चाहते हैं उत्तराखंड के स्कूल अच्छे हों, केवल और केवल आम आदमी पार्टी को करने आते हैं, बाकी किसी को नहीं करने आते, उनकी नीयत भी खराब है। तो जैसे दिल्ली में स्कूल अच्छे करे वैसे यहाँ भी करेंगे और शिक्षा सबके लिए मुफ्त होगी। जिसके पास पैसा नहीं है और इस देश में पैदा हो गया, उसको अच्छी शिक्षा का अधिकार है और वो अधिकार आम आदमी पार्टी देगी। अस्पताल, दिल्ली के कोने कोने में, गली गली में हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं। आज उत्तराखंड में इतने सालों के बाद भी पहाड़ों के गांव में, किसी भी गांव के अंदर कोई स्वास्थ्य सेवा नहीं है। वो डंडी कंडी का सिस्टम जिसमें एक चार लोग अपने कंधे पे बिठा के और लोगों को दूर दूर तक चलना पड़ता है अस्पताल ले जाने के लिए, ये सिस्टम खत्म होगा। हर गांव के अंदर केवल और केवल मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है जो कि गांव-गांव के अंदर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जिसके जरिए फ्री इलाज सबका मुहैया कराया जाएगा। दिल्ली के अंदर शानदार सरकारी अस्पताल बनाए हैं हमने। आज लोग अपोलो और मैक्स में नहीं जाते अमीर लोग, वो हमारे सरकारी अस्पतालों में आते हैं। अगर दिल्ली के 2 करोड़ लोगों में कोई बीमार हो जाए, अगर उसे बुखार हो और क्रोसिन चाहिए वो भी फ्री है, और अगर उसे कैंसर हो जाए या कोई ट्रांसप्लांट कराना हो वो भी फ्री है। 2 करोड़ लोगों का, हर व्यक्ति का पूरा इलाज मुफ्त हमने सुनिश्चित किया है। उत्तराखंड वासियों का भी हर व्यक्ति का इलाज मुफ्त इलाज सुनिश्चित करेंगे, और अच्छा इलाज, मुफ्त का मतलब ये नहीं खराब होगा। सड़कें ठीक करेंगे, आज जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं और सड़कों के अंदर इतना भ्रष्टाचार है। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया के अंदर लोग गांव-गांव के अंदर, ये सड़क 10 दिन पहले बनी थी और आज टूट गई। क्यों टूट गई? उस ठेकेदार ने कौन से मंत्री को पैसे दिए, किस MLA को पैसे दिए, किस अफसर को पैसे दिए? सड़कें बनती है, टूट क्यों जाती है? ये परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।